आबाद और स्वागत है। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही नैतिक फैसला दिया है कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उच्च, जिसको हम कहेंगे कि धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों में एक प्रवृत्ति आ गई है समलैंगिकता की, और उन्होंने एक अभियान चढ़ा रखा है कि समलैंगिकता को एक मान्यता मिले, जैसे नेचुरल शादी, महिला पुरुष की एक शादी को एक लीगल दर्जा मिलता है, ऐसे ही उनको भी मिले। तो उसमें बड़े बड़े वकील हैं, उसमें जज भी हैं, उसमें बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं, और चूंकि पैसे वाले लोग हैं तो उनकी लॉबी भी बड़ी ऊंची होती है, और उस लॉबी ने सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया। और सुप्रीम कोर्ट कई महीनों से इस पर सुनवाई कर रहे हैं, इस अनैतिक काम को लेकर सुनवाई कर रहा है। आज अंततः सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, ये जो हमारा संविधान में आर्टिकल 21 है, उसके हिसाब से आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, आप क्या चॉइस करते हैं, आपका रहन सहन क्या है, ये आप जाने, लेकिन इसको कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि परंपरा के खिलाफ भी होगा, ये प्रकृति के खिलाफ भी होगा। और एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि गोद बच्चे को गोद लेने की भी इनको परमिशन नहीं होगी अगर ये शादी करते हैं, क्योंकि जो लोग अनैतिक काम कर रहे हैं वो एक बच्चे को कैसे पाल सकते हैं, एक बच्चे के अंदर वो कौन सा संस्कार भरेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। 5 जजों की पीठ थी, बताइए, इस अनैतिक काम के लिए, इस अनैतिक काम को सुलझाने के लिए 5 जजों की कमेटी बैठी थी, और उस जजों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस संजय किशन कौल थे, जस्टिस रविंद्र भारती, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हन। तो इन्होंने अपने अपने तर्क दिए, और जो लाइन चीफ जस्टिस ने खींची थी उसी लाइन पर हम तब बात की। चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि हम इसको कानून बनाना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम कानून की समीक्षा करना है। तो अगर सरकार कानून बनाती है कि समलैंगिकता को स्पेशल मैरिज एक्ट में परमिशन दी जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, और हम सिर्फ जो कानून की समीक्षा है वो करेंगे और उसके हिसाब से उनकी शादी नहीं हो सकती। जो ये दलील सरकार ने भी दी थी, सरकार की तरफ से एजी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने यह तर्क रखा था कि सरकार के पक्ष से कि सरकार का काम है, सरकार को सोचने दीजिए, कुछ काम आप सरकार के ऊपर भी छोड़ दीजिए। तो इस तरह से सरकार ने ये जो डिसीजन आया है, बहुत सही डिसीजन आया है, और उस डिसीजन के कारण कम से कम समाज में कुरूति नहीं फैलेगी। दूसरी खबर मित्रों महत्वपूर्ण है कि आज नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, और दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया। 85 वर्ष की हैं वहीदा रहमान, उन्होंने एक से एक फिल्मों में काम किया, एक से एक बढ़िया फिल्में इन्होंने दी, गाइड जैसी फिल्म। आज उनको जब विज्ञान भवन में प्रोग्राम हो तो उनकी आंखों से आंसू भी आ गए कि इतना सम्मान उनको दिया गया, लेकिन बड़ी अच्छी बात है 85 साल की उम्र में दिया गया। मुझे लगता है कि यह समय से पहले देना चाहिए ताकि आप उसे इंजॉय कर सकें, आप उनको तब दें कि वो इंजॉय नहीं कर पाए, या मरने के बाद दें फिर क्या था? और मित्रों आज प्रधानमंत्री ने गगनयान की समीक्षा की, और गगनयान का जो परीक्षण है वो 21 अक्टूबर को हो रहा है, और 2025 का टारगेट है कि यहाँ आदमी को हमें अंतरिक्ष में भेजना है, यानी अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनेगा, जैसे नासा का है, चीन का है, रूस का है, वो तो कई कई दिनों तक अपने आदमी को स्पेस सेंटर में छोड़ के आ जाते हैं और फिर लौट आते हैं, और फिर कुछ 6 महीने बाद फिर जाते हैं, फिर लाते हैं। तो उनका सफल चल रहे हैं, तो हमारे चंद्रयान 3 सफल हुआ, हमारा
आदित्यवन सफल हुआ तो हमारा गगनयान भी सफल होगा। तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ बड़े लक्ष्य रखिए आप, जो है जो आपने वेनस का जो लक्ष्य रखा हुआ है उसको अचीव करिए, और 2035 में जो भारत ने अंतरिक्ष में एक स्थापित करना है, एक सेंटर बनाना है, और 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजना है। अभी तो हमने चंद्रमा पर ऑर्बिट भेजा है, इंसान भेजना है 2040 तक, उसकी तैयारी करें। तो आज प्रधानमंत्री ने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया। मित्रों, कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो शायद कैबिनेट की बैठक में हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अक्टूबर आ गया है और जो जुलाई का ड्यू है तो उसमें हो सकता है कि 4% भी दिए और मिल जाए। और कर्मचारी निधि पर ब्याज दर के लिए सुरक्षित निवेश पर मंथन चल रहा है। जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड है उसकी 31 अक्टूबर को बैठक होगी और उसमें तय होगा कि जो EPFO का पैसा है, सबसे मोटा पैसा है EPFO, वो पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, सिक्योर मार्केट में किया जाए, शेयर मार्केट में, या अनसिक्योर में किया जाए, तो उस पर फैसला होना है। ताकि जो निवेशक है यानी जो कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा करता है वो अगर निवेश लगाए तो उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न ज़्यादा आ सकता है। और देश के 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है इंडिया, ये राहुल गांधी ने बोला है। राहुल गांधी ने जो इंडिया संगठन कांग्रेस ने बनाया है तो उनका कहना है कि जो इंडिया में जितने घटक दल हैं उसमें 60% है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपको इजीली 2024 में जीत मिलनी चाहिए। और मित्रों, आज एक जो इसराइल और लेबनान सीमा है वहाँ भी आज युद्ध छिड़ गया है। जो इसराइल जो अभी गाज़ा पट्टी से हमला हो रहा था, उसने गाज़ा खाली करवा दिया था, तो अब वो लेबनान में भी कुछ हमला किया था, तो अब वो इसराइल लेबनान से भी लड़ रहा है। फिर उसके बाद अरब कंट्री के अन्य देश भी, ईरान और ये भी धमकी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी इसराइल तैयार है। तो एक छोटा सा इसराइल ने फिलिस्तीन के 40% हिस्से को कब्जे किया है, वो इसलिए किया है कि मजबूत है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, पैसे वाले लोग हैं और बहुत आगे सोचते हैं। और जो ये इस्लामिक देश हार रहे हैं वो इसलिए कि उनका फोकस आतंकवाद को खड़ा करना है, हमास, मुजाहिदीन और न जाने क्या क्या संगठन उन्होंने तैयार कर रखे हैं। पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें सब देखिए बड़े बड़े आतंकवादी संगठन, हिंदुस्तान खुद उस आतंकवाद से परेशान है। तो अगर पढ़ते लिख रहे होते वैज्ञानिकों को पैदा करते तो आज ये भी इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। तो गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। अब ये इसराइल ने तय कर लिया है कि अब गाजा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गाजा से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, तो उसको कब्जा कर लेंगे। फिर एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा जो वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक के बाद तब फिर इसराइल का पूरा जो फिलिस्तीन है उस पर कब्जा हो जाएगा। मित्रों, आज बड़ा गजब हुआ, आज नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हरा दिया, कमाल की ये उलट फिर हुआ। अभी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया था और अब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ये बड़ा कमाल का उलट फिर हुआ है। और अब हम देखते हैं कि जो अगले मैच है, अभी भारत नंबर एक बना हुआ है, तो इसलिए अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज अगर साउथ अफ्रीका जीता तो नंबर एक आ जाता, तो अभी हारने से भारत अभी नंबर एक की स्थिति में है। तो
उम्मीद कर सकते हैं। अभी पोंटिंग ने भी कहा है कि रोहित भारत को तीसरा वर्ल्ड कप दिला सकते हैं क्योंकि रोहित के अंदर वो क्षमता है, एक तो लीडरशिप है और दूसरा वो खुद भी इतना अच्छा खेलते हैं कि हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो मित्रों आगे आगे जो भी चर्चा होगी जैसे होगी मैं आपसे चर्चा करूँगा, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।